एक बार फिर से आपको स्वागत है इस स्टार्टर में। क्लास 11 का इंग्लिश का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इस पेपर में आपको आंसर बताऊँगा। आप अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। जो आपका 7 दिसंबर को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी बना दी है आंसर की भी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। पहले का डी है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी है, चौथे का बी है, पांचवे का ए है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, छठे का ए है, सातवें का ए है, आठवें का ए है, नौ का जो है सी है, दसवें का बी है, ग्यारहवें का ए है, बारहवें का ए है, तेरहवें का सी है, चौदहवें का सी है, पंद्रहवें का बी है, सोलहवें का सी है, सत्रहवें का ए है, अठारहवें का डी है, उन्नीसवें का सी है, बीसवें का बी है, इक्कीसवें का बी है, बाईस का डी है, तेईस का सी है, चौबीस का डी है, पच्चीस का डी है, छब्बीस का ए है, सत्ताईस का डी है, अट्ठाईस का ए है, उनतीस का ए है, तीस का बी है, इकतीस का ए है, बत्तीस का ए है, तैंतीस का डी है, चौंतीस का डी है, पैंतीस का सी है, छत्तीस का डी है, सैंतीस का ए है, अड़तीस का सी है, उनतालीस का बी है, चालीस का सी है, इकतालीस का सी है, बयालीस का बी है, तैंतालीस का सी है, चवालीस का ए है, पैंतालीस का सी है, छियालीस का बी है, सैंतालीस का ए है, अड़तालीस का डी है, उनचास का डी है, पचास का ए है, इक्यावन का डी है, बावन का ए है, तिरपन का सी है, चौवन का बी है, पचपन का ए है, छप्पन का ए है, सत्तावन का ए है, अट्ठावन का बी रहेगा, लास्ट दो बचे हैं, 59 का बी है और लास्ट 60 का जो है सी रहेगा आंसर। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।